الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عظني وأوجز فقال إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا وأجمع الإياس مما في أيدي الناس أو كما قال عليه الصلاة والتسليم बुजुर्गान मोहतरम मुआज़्ज़ज़ सामईन किराम दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला इखलास के साथ ऐसी बातें कहलवा ले जो हम तमाम के लिए मुफीद और कार आमद हो। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार मौजिज़ों से नवाजा। उन तमाम मौजिज़ों में एक मौजिज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, जवामिउल कलिम, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुख्तसर सी बात के अंदर मुकम्मल मुदल्लल और जामे गुफ्तगू फरमा देते थे। कलाम छोटा होता है, शॉर्ट होता है, मुख्तसर होता है, लेकिन इतना जामे और मुदल्लल होता है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। और मुख्तसर होने के बावजूद वो जूद फहम और आम फहम भी होता है, लोगों को समझ में भी आ जाता है, दिमाग में भी बैठ जाती है बात। तो ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा है जवामिउल कलिम का, उसका एक बेहतरीन नमूना ये हदीस पाक है जो मैंने हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली तिलावत की है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ लाए और उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़नी व औजिज़, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नसीहत कीजिए और मुख्तसर नसीहत कीजिए। देखिए मेरे दोस्तों, सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का मामूल, अकाबिरीन औलिया किराम का मामूल ये होता था कि वो जब अपने से बड़ों से मिलते, चाहे वो इल्म के अंदर हो या उम्र के अंदर हो, तो उनसे वो दरख्वास्त करते थे कि मुझे कुछ नसीहत कीजिए, और वो उस नसीहत को कबूल करते, उसके ऊपर अमल करते। मेरे दोस्तों, ये सिलसिला तकरीबन आज हमारे दरमियान के अंदर नापेद की तरह हो गया है। हम किसी को नसीहत का तो क्या कहें, अगर कोई नसीहत करने भी लगे तो हम उसे बुरा भला कहकर खामोश कर देते। हमारा ये मामूल होना चाहिए कि हम किसी के पास जाएं तो उनसे दरख्वास्त करें कि आप हमें कुछ नसीहत कीजिए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का ये मामूल था। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मरतबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास ख़त लिखा
और उस खत के अंदर ये लिखा कि मुझे कुछ नसीहत कीजिए और मुख्तसर नसीहत कीजिए, बहुत लंबी नहीं बल्कि मुख्तसर नसीहत कीजिए। तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुख्तसरन उनको नसीहत के तौर पर यह बात कर लिख कर भेजी कि जो शख्स अल्लाह तबारक व ताला को राजी करके लोगों को नाराज करता है, अल्लाह तबारक व ताला उन लोगों के लिए काफी हो जाते हैं। यानी लोगों को नाराज करके अल्लाह को राजी करने की फिक्र करता है तो जो लोग इससे नाराज होते हैं उनकी नाराजगी इसके लिए मुजीर और नुकसानदेह साबित नहीं होती, अल्लाह तबारक व ताला उनके लिए काफी हो जाते हैं। और जो शख्स लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उस शख्स को उन लोगों के हवाले कर देता है। और फिर जिनको राजी करने के लिए अल्लाह को नाराज किया था वो लोग एक वक्त ऐसा आता है कि वो खुद इससे नाराज हो जाते। मेरे दोस्तों, हमारा भी बहुत बहुत सारे मामलात के अंदर ऐसा होता है कि हम अल्लाह तबारक व ताला की खुशनुदी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजामंदी को पसे पुश्त डाल देते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि फलां कैसा खुश हो जाए, फलां नाराज नहीं होना चाहिए, फलां खुश होना चाहिए। हमारे शादी ब्याह के मौके पर और दूसरे मौके पर हर का ख्याल किया जाता है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल खुश होंगे या नाराज होंगे इसका ख्याल नहीं करते। खैर, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी उन सहाबी ने दरख्वास्त की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मुख्तसर नसीहत कीजिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनकी बात की रियायत करते हुए मुख्तसर तीन बातों की नसीहत की, और मुख्तसर अंदाज में तीन बातें ऐसी बतलाई मेरे दोस्तों कि अगर कोई शख्स इन तीन बातों के ऊपर अमल कर लेवे तो उसकी दुनिया और आखिरत संवर जाए। पहली बात बताई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि जिसके अंदर इंसान के तमाम आमाल दुरुस्त हो जाए, आमाल के इस्लाह की बात की। और दूसरी बात अक्वाल और जबान और बात की इस्लाह की नसीहत फरमाई। और तीसरी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक के इस्लाह की बात फरमाई। लेकिन इन तीनों बड़े उनवान के अंदर आमाल, अक्वाल, अखलाक, इन तीनों बड़े बड़े उनवान के अंदर एक एक ऐसा फर्द इंतखाब फरमाया कि सिर्फ पूरे आमाल में से सिर्फ उसके ऊपर मेहनत कर ली जाए तो वो पूरा के पूरा फर्द और पूरा के पूरा अमल, पूरे के पूरे हमारे तमाम आमाल दुरुस्त हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमाल के इस्लाह के लिए फरमाया इदा कुमत फी सलातिका फसल्ली सलाति मुअद्दईन, जब तुम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो तो इस तरह से नमाज पढ़ो जैसे कि कोई रुखसत होने वाला नमाज पढ़ता है, अलविदा कहने वाला नमाज पढ़ता है, दुनिया से बस जाने वाला है, आखिरी वक्त है, वो जिस तरह से नमाज पढ़ता है तुम इस तरह से नमाज पढ़ो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम आमाल में नमाज का इंतखाब फरमाया। और मुहद्दिसीन ने इसकी शरह के अंदर यह भी बतलाया है कि जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की इस्लाह की बात की है, हर अमल के अंदर अगर कोई ये ख्याल कर ले कि ये मेरा आखिरी अमल है तो उसके तमाम आमाल की दुरुस्तगी हो जाएगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमाल में नमाज का इंतखाब फरमाया, अगर किसी की नमाज दुरुस्त हो गई, नमाज की पाबंदी हो गई तो तमाम आमाल की दुरुस्तगी और तमाम आमाल की पाबंदी आ जाएगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जा बजा नमाज की पाबंदी की, नमाज की अहमियत बयान फरमाई। एक जगह फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है,
अहम पिल्लर है, अगर उस सुतून को ढा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, तो वह पूरी इमारत खत्म हो जाएगी। फमन अकामहा फकद अकामत दीन, जिसने नमाज को कायम कर लिया उसने दीन को कायम कर लिया। ओमन तरकहा फकद हदमत दीन, जिसने नमाज को छोड़ दिया तर्क कर दिया उसने दीन को ढा दिया। नमाज के कायम करने की, नमाज की अहमियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। और भी बेशुमार अहादीस नमाज की अहमियत के अंदर आपको मिल जाएगी, जिससे ये पता चलता है कि हमें नमाज की पाबंदी करना चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अहमियत ही नहीं बतलाई बल्कि नमाज पढ़कर बतलाई, हर हर रुकन को करके बतलाया सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के सामने कि कयाम किस तरह से किया जाएगा, रुकू किस तरह से किया जाएगा, सजदा किस तरह से किया जाएगा, कादा किस तरह से किया जाएगा। इन तमाम अरकान में हमारी नजरें कहाँ होंगी, हमारे हाथ कहाँ होंगे, हम किस तरह से बैठेंगे, किस तरह से हम सजदा करेंगे, ये तमाम चीजें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बतलाई और कहा सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम इस तरह से नमाज पढ़ो जिस तरह तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। और सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज का हूबहू तरीका जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देखा था, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मश्क और ट्रेनिंग में सीखा था, वो तमाम के तमाम तरीका लोगों तक पहुंचाया। और क्या तरीका होता था उनके, बाज मर्तबा तो खुद से कहते थे क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़कर दिखलाऊं। और बाज मर्तबा सहाबा का मामूल ऐसा था, होता था कि सामने से दरख्वास्त करते थे कि आप मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़कर बतलाइए, तो वो सहाबी पढ़ते थे और दूसरे सहाबी सीखते थे। इस तरह से नमाज अपनी दुरुस्त करते थे, सही करते थे। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने पूरा तरीका आगे लोगों को सिखलाया, ताबीन तबे ताबईन से आगे पूरा तरीका हम तक पहुंचा। और कुछ कुछ जो इख्तिलाफात रह गए उसको अइम्मे मुज्तहिदीन ने बड़े अच्छे तरीके से निखार कर बेहतरीन तरीका हर हर उज्व का, हर हर रुकन का हमें बतला दिया कि इस तरह से नमाज पढ़ो। इतनी अहमियत नमाज की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम ने फरमाई। और हमारे अकाबरीन ने भी नमाज की अहमियत के अंदर, नमाज की पाबंदी के अंदर इतना अहतमाम फरमाया कि हम सोच नहीं सकते कि नमाज का इतना अहतमाम किया जाता। हज़रत मौलाना इल्यास साहब नवरल्लाहु मरकदहू के बारे में आता है कि नमाज की पाबंदी इस कदर होती थी कि जब आखिरी उम्र में तबीयत खराब हो गई, उठ नहीं सकते, तो नमाज उस हालत में भी नमाज के जमात भी नहीं छोड़ते थे, उनका पलंग मस्जिद के अंदर लाया जाता था। और हज़रत शेख ज़करिया नवरल्लाहु मरकदहू के बारे में आता है, मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया फरमाते हैं कि हमने अपनी आंखों से देखा आखिरी वक्त के अंदर जब बहुत तबीयत खराब हो गई तो नमाज के लिए खादिम कुर्सी उठाकर मस्जिद के अंदर लाते, उस हालत में भी नमाज नहीं छूटती थी। लेकिन मेरे दोस्तों, नमाज के मुतालिक हमारा हाल आज बहुत खराब हो गया है पाबंदी के अंदर। और दूसरी बात, उसको किस तरह से नमाज पढ़ना चाहिए, कैसी नमाज होनी चाहिए। नमाज के अंदर असल खुशू और खुदू है। खुशू कहते हैं दिल के इत्मीनान को, सुकून कल्ब को, कि नमाज पढ़ रहे हैं हमारा दिल पूरी तौर से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जे हो, ये खुशू है। और खुदू आजा जवारे और जिस्म का सुकून, कि हमारा पूरा जिस्म पुरसुकून है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे है। खुशू और खुदू के साथ नमाज अदा की जाएगी तो वो फजीलत हासिल होगी। सूरह मुमिनीन के शुरू के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कद अफलहल मुमिनून, मुमिनीन कामयाब हो गए। फलाह कामयाबी, फलाह का क्या तर्जमा होता है, मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि उर्दू की जबान इसका तर्जमा करने से कासिर है। हम उर्दू की जबान
कि का दामन छोटा होने की वजह से हम उसका तर्जमा कामयाबी करते हैं, वरना फलाह दुनिया और आखिरत की हर तरह की कामयाबी और सहूलत उसको फलाह कहते हैं। आगे फरमाया अल्लदीना हुम फी सलातिहिम खाशिउन, कामयाब हो गए वो मोमिनीन जो के अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार करने वाले। दुनिया और आखिरत की कामयाबी का मुज़दा इस आयत करीम में आयत करीमा के अंदर सुना दिया गया कि अगर हम खुशू और खुदू के साथ नमाज अदा करने वाले बन जाए, अल्लाह तबारक व तआला हमारे दुनिया और आखिरत सवार देंगे। अब हमारी नमाजों के अंदर खुशू और खुदू आए किस तरह से, हमारा दिल पुरसुकून किस तरह से होगा, हमारे आज़ा और जवारे मुकम्मल तौर पर नमाज के अंदर किस तरह से मुब्तला होंगे, उसके तरीके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। एक तरीका तो इस हदीस पाक के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी के दरख्वास्त पर नसीहत के तौर पर फरमाया कि जब तुम नमाज पढ़ने खड़े हो तो ये ख्याल करो कि तुम्हारी आखिरी नमाज है। बहुत सारी मर्तबा इस तरह से हुआ है कि किसी को फांसी देने जा रहे हैं और हर एक को जब उसका आखिरी वक्त होता है तो पूछा जाता है कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। जैसे हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि उनको फांसी देने जा रहे थे तो उनसे पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं 2 रकात नमाज पढ़ना चाह रहा हूँ। अब किसी को पता हो कि मेरी इस 2 रकात के बाद मुझे फांसी दे दी जाएगी, मेरा आखिरी वक्त है, मेरी आखिरी नमाज है, वो नमाज किस तरह से पढ़ेगा। अगर हमें पता हो कि अभी जुमा की नमाज मेरी आखिरी नमाज है, असर का टाइम मुझे नहीं मिलेगा, तो हम जुमा की नमाज किस तरह से पढ़ेंगे। जो शख्स अपनी आखिरी नमाज जिस ख्याल से पढ़ता है, उस ख्याल से अगर हम हर नमाज पढ़ने वाले बन जाएं तो हमारी नमाजों के अंदर खुशू और खुदू आ जाएगा। और ये बात हकीकी भी है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि इस हदीस का एक मतलब यही है कि इंसान को अपनी मौत का पता नहीं कि कौन से लम्हे मौत आ जाए। अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, 1 घंटे बाद क्या हो जाए, और ख़ास करके आजकल के माहौल में, इस माहौल के अंदर किसी का कोई इम्तियाज नहीं। कोई ये नहीं कह सकता कि अभी बच्चा है इसको मौत नहीं आ सकती, जवान है, बूढ़े हैं, हर तरह के लोग जा रहे हैं और हर तरह की खबरें हमारे सामने आ रही है। अभी तो इसका और ज्यादा यकीन हो जाना चाहिए, पता नहीं भाई असर की नमाज का वक्त मिले या ना मिले। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम इस तरह से नमाज पढ़ो जैसे कि तुम्हारी ये आखिरी नमाज हो। एक तरीका यह बतलाया। और एक दूसरा तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी जगह फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की तुम इबादत इस तरह से करो जैसा कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अंतअबुदल्लाह कअन्नक तराहू, इस तरह से इबादत करो जैसा कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। फइन लम तकुन तराहू फइन्नहु यराक, अगर तुम्हारी ये हालत और ये इस्तेआत नहीं है, ये कैफियत नहीं बन रही है कि तुम अल्लाह को देखने वाले बनो, तो इसका तो यकीन होना ही चाहिए हर मोमिनीन को, हर मोमिन को, कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। जब कोई काम करने वाला, कोई नौकर, कोई गुलाम, कोई वर्कर, उसको उसका मालिक जब देख रहा हो तो वो कितनी ईमानदारी के साथ और कितनी लगन के साथ काम करेगा, जरा सा भी इधर से उधर नहीं करेगा। मालिक की नजरें तो क्या, मालिक जिस स्क्रीन में देखता है उसका सीसीटीवी कैमरा भी सामने हो तब भी काम करने वाला बिल्कुल ध्यान से काम करेगा, जरा भी इधर उधर नहीं करेगा। अल्लाह तबारक व ताला तो हमें बिल्कुल हर तरह से देख रहे हैं, जाहिरी एतबार से भी, बातिनी एतबार से भी। अल्लाह तबारक व ताला हमारे जाहिर से भी वाकिफ है, हमारे बातिन से भी वाकिफ है। हमारे दिल के सबसे ज्यादा नजदीक जो रग है, शह रग, अल्लाह तबारक व ताला उससे भी ज्यादा हमसे करीब है। हमारे दिल में ख्याल आने से पहले क्या ख्याल आने वाला है उससे भी अल्लाह तबारक व ताला वाकिफ है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हर वक्त देख रहे हैं। इस ख्याल से अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो हमारी नमाजों के अंदर खुशू और खुजू आ जाए। और एक तरीका अकाबिरीन ने यह बतलाया है कि सुन्नत तरीके के ऊपर नमाज पढ़ी जाए।
कि जब कयाम के अंदर है तो बराबर हाथ बंधे हुए हैं, नजरें बराबर सजदे की जगह के ऊपर है और कदम भी बराबर रखे हुए हैं और रुकू के अंदर बराबर अच्छी तरह से घुटनों को पकड़े हुए और पीठ बराबर सुरिन और सर बराबर बराबर है और इसी तरह से पहलू और बाजू अलग है, सुन्नत तरीके से अगर रुकू किया हुआ है तब भी बराबर ध्यान नमाज के अंदर रहेगा, आजा और दिल बराबर उसी के साथ रहेंगे। इसी तरह सजदे के अंदर मुकम्मल सुन्नत की रियायत के साथ नमाज पढ़ी जाएगी तो खुशू और खुदू हमारी नमाज के अंदर आ जाएगी। अकाबरीन औलिया किराम किस तरह से नमाज पढ़ते थे मेरे दोस्तों, उनकी नमाज को अगर हम सुने तो दंग रह जाएंगे। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक एक मरतबा शेख अबू हाजिम की खिदमत में पहुंचे और उनको बहुत सारे सवाल किए। एक सवाल ये किया कि हजरत अब ये बतलाइए कि हमें मरने से इतना डर क्यों लगता है, तो हजरत ने कहा कि हम जो है हमने दुनिया को आबाद कर लिया है और आखिरत को बर्बाद कर दिया है और इंसान की ये फितरत है कि इंसान आबादी से जब वीरानी की तरफ जाता है तो उसको वहशत और डर लगती है। हमने दुनिया को आबाद कर रखा इसलिए दुनिया के अंदर डर नहीं लगती, आखिरत को वीरान कर दिया बर्बाद कर दिया इसलिए आखिरत की तरफ जाने में डर लगती है। तो सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने कहा कि हजरत सही बात फरमाई। फिर अर्ज किया कि अब ये बतलाए कि अल्लाह तबारक व तआला के पास हमारा क्या हाल होगा, हम किस तरह से अल्लाह तबारक व तआला के पास जाएंगे, हमारा हाल क्या होगा। तो शेख अबू हाजिम ने कहा कि अपना जो भी हाल हो कुरान करीम के सामने पेश कीजिए। कुरान करीम फरमाता है इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, जो नेक लोग होंगे वो नेमतों के अंदर जन्नत के अंदर होंगे और जो फुज्जार फासिक गुनहगार होंगे वो जहीम और जहन्नम के अंदर होंगे, आग के अंदर होंगे। तो फिर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने कहा कि हजरत अल्लाह की रहमत कहाँ गई। तो हजरत शेख ने फरमाया कि अल्लाह की रहमत तो नेक लोगों के करीब होगी, इन रहमतुल्लाह करीब मिन अल मुहसिनीन। फिर सवाल किया कि हम लोग अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में किस तरह से ले जाए जाएंगे, तो कहा कि जो लोग नेक होंगे वो इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में जाएंगे जैसे कि कोई शख्स लंबे सफर से बहुत अरसे के बाद अपने घर जा रहा हो। 40 दिन की जमात में हम गए हुए हो और 40 दिन की जमात के बाद वहां से घर आ रहे हो, घर पर आने की क्या खुशी होती है। मदरसे में 8 दिन रहकर अब जुमा के दिन जुमेरात के दिन जब घर पहुंचते तो कितनी खुशी होती है। तो जिस तरह से एक मुसाफिर आदमी अपने घर पहुंचने के लिए बहुत खुशी के अंदर होता है, इसी तरह से नेक आदमी भी अल्लाह तबारक व तआला के पास अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में ऐसे ही खुशी खुशी पहुंचेगा। और जो बदकार होगा गुनहगार होगा वो इस तरह से आएगा जैसे कि कोई भागा हुआ कैदी उसको पकड़ कर लाया जा रहा होगा, उसको पता है कि अभी जाकर मुझे जेल में भरा जाएगा और मुझ पर सख्ती की जाएगी, मुझ पर ये जुल्म ढाए जाएंगे, उसका क्या हाल होगा। इसी तरह से गुनहगारों का हाल होगा। कहा कि हजरत आपने सही फरमाया। फिर सवाल क्या कि हजरत आप नमाज किस तरह से पढ़ते हैं, असल इस नमाज की बात मुझे सुनाना है। कहा कि जब नमाज का वक्त होता है तो मैं तमाम फराइज आदाब और सुनन की रियायत के साथ अच्छी तरह वुजू करता हूँ। वुजू के मामले में मेरे दोस्तों हमारा ऐसा हाल है, बल्कि अक्सर हमारे आमाल का मामला ऐसा है कि हम मशीन बन गए हैं। नमाज के मामले में और दीगर आमाल के मामले में जिस तरह से बटन दबाते पंखा चालू मशीन चालू, इस तरह से हमारा भी बटन दब जाता है वह इबादत मुकम्मल हो जाती है। स्विच ऑफ तो हमारी इबादत भी ऑफ। खैर हमारी इबादतों के अंदर जान पैदा करने की ज़रूरत है। तो शेख अबू हसन ने फरमाया कि तमाम फराइ सुनन और आदाब की रियायत के साथ मैं अच्छी तरह वजू करता हूँ। फिर किबले की तरफ रुख करके ये सोचता हूँ, ये तसव्वुर करता हूँ कि मेरे सामने काबतुल्लाह है और मेरे दाहने जन्नत है और मेरे बाएं दोजख है और मेरे कदम के नीचे पुल सिरात है और मेरे पीठ पीछे मौत है
और ये तसव्वुर करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला अलीम व खबीर है, मेरे तमाम अहवाल को जानते हैं, और इस ख्याल से नमाज पढ़ता हूँ कि ये मेरी आखिरी नमाज है। मेरे दोस्तों, इन तमाम चीज़ों में से एक चीज का भी अगर हमारी नमाज के अंदर ख्याल आ जाए तो हमारी नमाज बिल्कुल सही हो जाए। उमरा करने जाने वाले, हज करने वाले जाने वाले वो जानते हैं कि अगर हम काबतुल्लाह के सामने नमाज पढ़ रहे होते हैं तो क्या कैफियत होती है दिल की। सामने काबतुल्लाह नजर आ रहा है, हम नमाज पढ़ रहे हैं, दिल की कैफियत क्या होगी मेरे दोस्तों, वो वही शख्स जानता है जो कि काबतुल्लाह को देखकर नमाज पढ़ने वाला। अगर हमें ये ख्याल हो कि दाहने जन्नत है, बाएं दोजख है, नीचे पुल सिरात है, पीछे मौत है, इसका अगर इस्तेहजार हो जाए तो हमारी नमाज बिल्कुल दुरुस्त हो जाए। तो इस तरह से शेख अबू हाजिम नमाज पढ़ते थे। उनसे पूछा गया, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने कहा कि हजरत आप कितने अरसे से इस तरह से नमाज पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल से इस तरह से नमाज पढ़ते। अगर एक नमाज भी मेरे दोस्तों हमारी इस तरह से हो जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाए, और नमाज के अंदर वो लुत्फ और वो मजा जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज के अंदर है, वो नसीब हो जाए। तो आमाल के अंदर नमाज की दुरुस्तगी के बाद की, नमाज की पाबंदी की बात की, नमाज को असल खुशू और खुजू के साथ अदा करने की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को नसीहत फरमाई, और दूसरी नसीहत फरमाई वला तकल्लम बिकलाम तअतज़िरु मिन्हु गदा, कि तुम कोई ऐसी बात मत कहना कि बाद में तुम्हें उज्र पेश करना पड़े, बाद में तुम्हें पछतावा हो। अक्वाल, जबान की हिफाजत। मेरे दोस्तों, पूरे आज़ा के अंदर जबान ऐसी नेमत है कि अल्लाह तबारक व ताला ने जब से दी है तब से चल रही है, और कभी भी इसके अंदर दिगर तमाम आज़ा के अंदर तो कुछ खराबी आ जाती है, लेकिन बुढ़ापे तक इसके अंदर कुछ खराबी नहीं आती। अल्लाह तबारक व ताला ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी हिफाजत की बहुत ताकीद फरमाई। एक जगह फरमाया कि जिसने दो जबड़ों के दरमियान की चीज़ यानी जबान और दो रानों के दरमियान की चीज़ यानी शर्मगा, इन दोनों चीज़ों की हिफाजत कर ली और ज़िमान ले लिया, तो मैं उसके लिए जन्नत का ज़िमान लेता हूँ, उसके लिए जन्नत मेरी तरफ से अल्लाह तबारक व ताला के सामने मैं दरख्वास्त करूँगा। जबान की कुल तीन हालतें मेरे दोस्त, या तो खामोश रहेंगे, या अच्छा कलाम किया जाएगा, या बुरा कलाम किया जाएगा। इन तीन हालतों में दो हालतें नजात वाली है और एक हालत हलाक वाली है। अगर खामोश रहे तो नजात, और अगर अच्छे कलाम में इस्तेमाल हुआ तो फिर अल्लाह तबारक व ताला उसके एक छोटे से अच्छे कलाम की वजह से अल्लाह तबारक व ताला इसको जन्नत में आला दर्जा अता फरमा सके। और एक हालत के अंदर हलाकत, बुरा कलाम किया, किसी का दिल दुखा दिया, किसी को बुरा भला कह दिया, किसी की गीबत कर ली, किसी का चुगली कर ली, किसी को खराब कह दिया, तो फिर इस एक छोटे से कलमे की वजह से उसके और जन्नत के दरमियान में कई खाइयों का फासला हो जाता है, और ये जहन्नम के बिल्कुल निचले तबके के अंदर इस एक कलमे की वजह से फेंक दिया जाता है। इसलिए जबान की हिफाजत करने के लिए कहा। बाज़ मर्तबा, बहुत सारी मर्तबा ऐसा होता है कि जबान की वजह से ही आपस में झगड़े होते हैं, इसलिए बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। मोमिन जो होता है वो सोच समझ कर बोलता है, और मुनाफिक जो होता है वो बोलकर सोचता है। और तीसरी बात, अखलाक की दुरुस्तगी की फरमाई कि वह अजमेल इयास मिम्मा फी अयदिन नास, लोगों के पास जो भी है उससे तुम मुकम्मल तौर पर मायूस हो जा, पूरी की पूरी उम्मीद अल्लाह से होनी चाहिए। अल्लाह के पास मांगो, लोगों से उम्मीदें मुनक़ते कर दो, लोगों से उम्मीदें बांधते हैं, जब उम्मीदें टूटती है दिल टूटता है, मायूसी होती है, आपस में दुश्मनियां, लड़ाई झगड़े होते हैं, और मामला बहुत खतरनाक आगे तक बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा अल्लाह तबारक व ताला से उम्मीद बांधी जाए, और अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम को इन तमाम नसीहतों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमाल सही करने की तौफीक अता फरमाए, अक्वाल सही करने की तौफीक अता फरमाए, अखलाक सही करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक ऐलान है
कुछ मदारिस के सफ़ीर हजरात आए हैं, उनका खूब ताउन फरमाए, और उनसे एक साहब आए हैं मस्जिद की तामीर के लिए, उनका भी ताउन फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा।